anime fans, ho jao ready to witness the ultimate anime blast. Anime Booth laya hai non-stop anime ki sogaat. Ab ye hui na baat. 24 hours Hindi mein dekhiye amazing shows back to back, Action Attack aur Comedy Bunch. Padega zordar. Only on Anime Booth. Anime Unleashed. देखा, बंक होने के बहुत फायदे हैं। चलो बाहर चलकर देखते हैं कि ये शोर कैसा है। हाँ भाई, 5 मिनट से बेल बजाने की कोशिश कर रहा हूँ तो बजाए क्यों नहीं? जब भी हाथ बढ़ाता हूँ धरती हिल जाती है। बिना सामान लिए नहीं देता कोई थाली। लगता है निकल रही है किसी नेता की रैली। ठोको थाली। नंदू सबका बंधु, रैली नहीं है तो फिर क्या है? ओ! क्या तुमने कभी किसी से झूठ बोला? बोला। मैंने भी बोला। क्या कभी तुम्हारा पैर बाथरूम में फिसला? फिसला। मेरा भी फिसला। क्या तुमने कभी नाइट पार्टीज की? हाँ, की। हाँ, तो बताओ तुम्हारे पापा को? हाँ? नहीं नहीं पापा को मत बताना। तुम्हारा इंजन स्टार्ट हो गया। अरे मैं बोल रहा हूँ भाई, भाई। बीच में ना बोल, बोल। बीच में। फिर बोला? कहा ना बीच में ना बोल। हमारा बैंड ग्रुप बकरीवाला एंड सन्स एंड सन्स एंड सन्स एंड सन्स अगले 1 हफ्ते तक शहर में कॉन्सर्ट्स करेगा। आप सभी लोग इनवाइटेड हैं। सिर्फ अपना एड्रेस इस फॉर्म पे भर दीजिए। क्या कर दीजिए? अपना एड्रेस। अरे बीच में ना बोल। तुम लोगों ने इनविटेशन क्यों नहीं लिया? हमारी मैडम शहर से बाहर गई हैं। हमें घर पर रहना होगा, इसीलिए हम कॉन्सर्ट में नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, हम 1 हफ्ते तक कॉन्सर्ट कर रहे हैं। जब आ सको आ जाना। मैं भी चलता हूँ। मैं जाऊँगा। आई एम ए पार्टी एनिमल। मैं भी आऊँगा। वैसे भी मैं घर पे इतना खाली रहता हूँ कि कोई कॉल करके पूछता है ना कि कैसा है तो मैं उसके घर जाके बताता हूँ। ये देख, पूरा के पूरा ठीक हूँ। ओहो, ये जनरेटर किसने ऑन किया? अरे मैं बोल रहा हूँ। ओए बीच में ना बोल। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। जो लोग कॉन्सर्ट देखने आए हैं, हमारे दोस्त साथी उन्हें एंटरटेन करेंगे और तब तक हम उनके खाली घरों को लूट लेंगे। क्या समझा? हाँ समझा। ओए बीच में ना बोल, एड्रेस लिस्ट उठा और चल। मेरी मर्सी पापा, मेरी मर्सी। केले को मैं कहूँ एप्पल, हाथ में पहनूँ दो दो चप्पल, चप्पल चप्पल। मीठे में मैं पीऊँ काढ़ा, अपने ही घर का भर दूँ भाड़ा, भाड़ा भाड़ा। अच्छी मूवी देख के हो जाऊँ मैं बोर, लाइब्रेरी में घुस के खूब मचाऊँ शोर, शोर 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 शोर। अलमारी में साबुन रखूँ, बेड में रखूँ पापड़, उसके शेर के पिंजरे में मारो उसको झपट, ये मारो उसको झपट। मानी मेरे कपड़े धोए, खाना बनाए दर्जी, रोती सूरत बना के मैं नाटक करूँ फर्जी।
मर्जी, बाबा मेरी मर्जी, यो मेरी मर्जी, बाबा मेरी मर्जी। अगर बाकी तीनों की आंखों पर पट्टी बांधी होती तो अभी अंदर घुसकर सब कुछ लूट लेता। क्यों? ये कोई तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हें चोरी करने देता? ओए बीच में ना बोल। अरे यार, ये सुबह सुबह मुर्गा क्यों रो रहा है? मुर्गा नहीं, लगता है मोहल्ले वाले रो रहे हैं। हनी बनी कर रहे हैं बैड मंकी को चेस। सुल्तान का बेटा बैड मंकी। पावरफुल पावर अप्स एंड यूज बूस्टर्स टू बीट बॉस इन दिस फाइट। एन ऑल न्यू एडवेंचर अवेट्स यू इन हनी बनी का झोमा द क्रेजी चेस। ब्रांड न्यू गेम Download now only on Google Play Store. क्या हुआ? आज किस बात की रैली हो रही है? नंदो, सबका बंदो, मेरे घर से सारी गाजर चोरी हो गई। आओ। मेरे जिम से सारे डंबल चोरी हो गए। डंडे के दोनों बाजू टायर टांग कर कसरत करनी पड़ रही है। मेरा खाली गुल्लक चोरी हो गया। खाली था तो रो क्यों रहे हो? ओए गुरु, खेत में बह रही है नहर, हम कॉन्सर्ट क्या गए, पीछे से लूट गया सारा शहर। सारा शहर नहीं खन्ना साहब, मेरे घर पर चोरी नहीं हुई। चोरी तो हमारे घर पर भी नहीं हुई है। अच्छा हुआ हम लोग घर पर ही रुके थे। नंदू, तोताराम खन्ना साहब कॉन्सर्ट में गए थे तो उनके घर पर चोरी हुई। हम चारों और सनी कॉन्सर्ट में नहीं गए, मतलब समझे? हाँ, यही कि हमने कॉन्सर्ट मिस कर दिया। अरे गधे, चोरी का कनेक्शन उस कॉन्सर्ट से है। ओए गुरु, बाएं हाथ को कहते हैं लेफ्ट हैंड, बकरे डीजे बजाते बजाते बजा गए हमारी बैंड। ये कॉन्सर्ट एक हफ्ते चलने वाला है, इन बकरों को मजा चकाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। तुम लोग घर फिक्स करो, मैं तब तक उनसे इन्विटेशन लेकर आता हूँ। सिम सिम पोला पोला सिम सिम पोला, बहन मेरी दो, भाई है मेरे सोला सोला सोला। चाबी डाल कर अलमारी खोला, पैसे देख कर मेरा मन डोला डोला डोला, माल उठाया और भर दिया झोला। फिर क्या? सिम सिम पोला पोला सिम सिम पोला, कम ऑन कम ऑन, सिंग विद मी, सिम सिम पोला पोला सिम सिम पोला। अब पता चला ये चोरियां क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसा बकवास गाना गा के पैसा कमाना तो नामुमकिन है। ये देखो सीसीटीवी में ये दोनों बकरे दिख रहे हैं। जोरदार हनी, तुम दोनों यहाँ इन दोनों को पकड़ना, मैं और पोपट उन दोनों को पकड़ने जा रहे हैं। वही रुक जाओ, हमें सब पता चल गया है। अपनी सफाई में कुछ कहना है। मैं ये ट्रैक्टर किसने चालू किया? अरे नहीं, मैं बोला, मैं। एक बीच में ना बोल, बस एक ही बात कहनी है। क्या? भागो। Ah!
आप में से कौन हमारे साथ स्टेज पर गाना चाहता है? ये फाइनली चल हनी हमारी बारी। तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारे जाल में फंस जाएंगे? तुम्हारी चोरी पकड़ी गई और तुम्हारे चोर साथी इस वक्त हमारे घर में फेंक रहे होंगे। जब तक इसे अपनी गलती का एहसास ना हो इसे दर्द का एहसास देते रहे जोरदार। अरे इन्हें हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चल गया? भागो! हमको मारने से पहले अपने जूते साफ करो। इसने तेरे घर पे भी चोरी किया था क्या? हाँ नहीं, इसने मेरे पापा को बता दिया कि मैंने लेट नाइट पार्टी की थी। कैसे हैं ये लोग? मम्मी नहीं सुनाती लोरी भारी है शक्कर की बोरी, मारो हमको चाहे जितना छोड़ेंगे ना कभी हम चोरी। सॉरी सॉरी, हमें पुलिस के हवाले कर दो, हम आज के बाद कभी चोरी नहीं करेंगे। पक्का पक्का प्रॉमिस। आप सभी का स्वागत है आज के इस धमाकेदार फूड एग्जीबिशन में। जो भी हमारे जज मिस्टर फूडेश्वर को इम्प्रेस करेगा उसे मिलेगा रेस्टोरेंट का लाइसेंस। ये पड़ा छौका, ये चली करछुली, और ये है हमारी पहली टीम जोरदार हनी और बनी। हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट से बाकियों को हो सकता है खतरा क्योंकि ये है हमारे अपने बकरा। बड़े ही फुर्तीले, बड़े ही जोशीले शेफ हैं ये या है कोई अजूबा? आउच। हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट है मुर्गा। खाना बनाने में काट दे ये सबकी कन्नी क्योंकि ये है हमारे अगले पार्टिसिपेंट सनी। देखो इसे, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये सेल्फी ले रहा है, काम में हाथ क्यों नहीं बटाता है तू? हाथ बांट दूंगा तो सेल्फी कैसे लूंगा? मैं चाहता हूँ सबको पता चले कि हम जल्दी नया रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। अरे गधे, वो तो तब खुलेगा जब हमें लाइसेंस मिलेगा, और लाइसेंस के लिए हमें अच्छा खाना बनाना पड़ेगा। हाँ, ताकि वो फूड इंस्पेक्टर अच्छा खाना खाकर खुश हो जाए और हमें लाइसेंस दे दे। लेकिन छोटे भाई, रेस्टोरेंट चलाना है गाड़ी नहीं, लाइसेंस की क्या जरूरत है? अरे वो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, रेस्टोरेंट के लाइसेंस की बात कर रहा है। इससे पहले फूड इंस्पेक्टर आ जाए खाना रेडी करना है। चल तू भी हमारी मदद कर। नहीं नहीं, मुझे उससे पहले सेल्फी लेनी है। अरे ये इतना बोल रहा है तो एक सेल्फी ले लेते हैं ना, उसके बाद पूरा काम मिलकर खत्म कर लेंगे। अरे यार ठीक है, जल्दी फोटो ले। अरे ये कैसी फोटो है,
इसमें तो हमारे सर ही नहीं है। कौन से सर, केमिस्ट्री वाले या फिजिक्स वाले? केमिस्ट्री फिजिक्स का तो पता नहीं, लेकिन एक दिन तू जीके के सर से बहुत पिटेगा। कितनी गंदी फोटो है, इसे अभी डिलीट कर। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं इतना हैंडसम दिख रहा हूँ। ये इसे नहीं मानेगा, जोरदार इसका फोन छीन ले। माँ चलो, कम से कम पानी मिला, आग बुझी। हनी, ये फोन मुझे दे दे हनी। अरे पोपट को लग गई। ये फोटो तो मैं अलग से अपलोड करूंगा, आग वाला तोता। अरे यार, ये सब क्या कर रहे हो? आज का कंपटीशन बहुत टफ है, अगर कंपटीशन में नहीं जीते तो लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। हाँ, इस कंपटीशन में सनी भी भाग ले रहा है। कंपटीशन तो फूट का है, फिर वो भाग क्यों रहा है? ये अब नहीं बोलेगा। चलो हम लोग खाना बनाते हैं। कढ़ाई में तड़का मार रहे हो तो खानसामा हो तुम, लोरी सुनाकर भांजे को सुला देते हो तो अच्छे मामा हो तुम। इटालियन स्पेनिश तो बनाना नहीं है, अगर दाल चावल भी नहीं बना पाए तो आदमी नहीं पजामा हो तुम। सारी सब्जियां खराब हो गई। इधर तो अब कोई भी सब्जी नहीं है। आओ, सब कुछ डाल के कुछ बना देता हूँ। भले मुझे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन आज फूड इंस्पेक्टर मुझे रेस्टोरेंट का लाइसेंस जरूर देगा, क्योंकि मैंने पहले ही चिमनलाल चील के रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लिया है। आज अच्छा खाना खिलाकर फूड इंस्पेक्टर से लाइसेंस ले लूंगा, और उसके बाद तो कुछ भी बनाकर लोगों को खिलाऊंगा। हनी बनी कर रहे हैं बैड मंकी को चेस। सुल्तान का बेटा बैड मंकी। पावरफुल पावर अप्स एंड यूज बूस्टर्स टू बीट बॉस इन दिस फाइट। एंड ऑल न्यू एडवेंचर अवेट्स यू इन हनी बनी का झोमा, द क्रेजी चेस। ब्रांड न्यू गेम, डाउनलोड नाउ ओनली ऑन गूगल प्ले स्टोर। ओए, मुझसे स्मार्ट कोई ना होए। ओए। ओ भाई, भूख लगी, चेक करके आता हूँ कि खाना बना के नहीं लोगों का। हेलो जी, हेलो, कोई है? ओए, इतना बड़ा बिल्ला खड़ा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? ओ बेटा, मुझे तो दिखाई दे रहा है, मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि तुमको सुनाई दे रहा है या नहीं है? ओए, मुझे सब सुनाई दे रहा है, तुम बताओ कि तुम कौन हो? ओ बेटा, मैं हूँ फूड इंस्पेक्टर फूडेश्वर महाराज। ओए, आप खड़े क्यों? चलिए खाना खा लीजिए, मैंने आपके लिए दिल से बहुत टेस्टी खाना बनाया है। ओ बेटा, मैंने भी खाना खाने के लिए दिल से बहुत जोर से पेट खाली किया है, चलो। ओए, ये लीजिए, मैंने आपके लिए खास सरसों का साग बनाया है। बेटा, ये सरसों का साग नहीं, परसों का साग है। परसों ही मैंने ये साग चिमनलाल चील के रेस्टोरेंट में खाया था। ओए, क्या बोल रहे हो, ये तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। बेटा, हाथों से बनाया है तो चिमनलाल चील के रेस्टोरेंट का बिल यहाँ क्या कर रहा है? ओए, ये कैसे चिपक गया?
बेटा ये तो चिपक गया, लेकिन मैं तुझे उखाड़ूंगा। झूठ बोलकर दूसरे रेस्टोरेंट का खाना खिलाता है, तुझे लाइसेंस मिलना तो कैंसिल। ओए, मुझे लाइसेंस मिले ना मिले, लेकिन उन गरीबों को लाइसेंस नहीं मिलने दूंगा। अभी जाकर उनका खाना खराब करता हूँ। ओए, मुझसे स्मार्ट कोई ना होए। ओए। ओए, खाने में ऑयल डाल देता हूँ। ऑयली फूड देखकर वो फूड इंस्पेक्टर भी इनको लाइसेंस नहीं देगा। ओए, कितना तेल है इसमें। समोसे को सर पर रखकर चंपी मसाज भी दे सकते हैं। थोड़ा तेल इसमें डाल। बेड़ो संभाल के, फ्राई पैन में मेरे को प्याज के साथ फ्राई बहुत कर देना बेड़ो। सॉरी सॉरी, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है तू, अकल का थोड़ा कच्चा है तू। एक प्याज अगर उधार दे दो तो अच्छे मित्र हो तुम, अगर नहीं दोगे तो किसी आवारा पेंटर के बेकार चित्र हो तुम। मैं तुम्हें प्याज जरूर देता, लेकिन हमारे पास एक ही प्याज है। जोरदार, वो एक ही प्याज मांग रहा है। हेलो, बहुत मुश्किलों में पलता हूँ मैं, मत दो प्याज, चलता हूँ मैं। ग्रेवी थोड़ा जम जाए तो पानी डालना जरूरी होता है। क्या बात क्या बात क्या बात, आखिर हमारा खाना तैयार हो गया। तैयार क्यों हो गया, उसे स्कूल जाना है क्या? अरे गधे, तैयार मतलब रेडी हो गया, अब बस फूड इंस्पेक्टर जल्दी से आ जाए और हमें लाइसेंस दे दे। हेलो जी, हेलो। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? अरे वो फोन पर नहीं, सामने से बात कर रहे हैं। आप कौन है? नहीं पहचाना, एक सेकंड। अब अरे अभी भी नहीं पहचाना। अरे बेटा मैं हूँ फूड इंस्पेक्टर फूडेश्वर महाराज, इंस्पेक्शन के लिए आया हूँ, चलो चलो। अरे वाह फूड इंस्पेक्टर, आइए आइए, हम लोग आपका इंतजार कर रहे थे। हनी जा जाकर सर के लिए खाना लेकर आ। सर के लिए? लेकिन खाना सर से नहीं, मुँह से खाते हैं छोटे भाई। अरे यार सर मतलब ये सर, इनके लिए। तू रहने दे, मैं खुद ही लेकर आता हूँ। हाँ तू ही जा, वरना ये हमारा सर खा लेगा। ओए, खाना तो बहुत टेस्टी बनाया है इन्होंने, लेकिन आज इसमें इतनी मिर्ची डालूंगा कि फूड इंस्पेक्टर की हाय हाय मिर्ची हो जाएगी और फिर वो इनको लाइसेंस नहीं देगा। ओए मुझसे चालाक ना कोए। ये देगी मिर्च, ये लेगी मिर्च और ये अनदेखी मिर्च, ये खड़ी मिर्च, ये बैठी मिर्च और ये लेटी मिर्च। इसके बाद तो इस फूडेश्वर को नदी में भी छोड़ दो तो भी वो चार दिन तक पानी पीता रहेगा। इस पुलाव में भी मिला देता हूँ। लीजिए सर, खास आपके लिए दाल मखनी और पुलाव। बेटा दाल देखकर तो मुंह में पानी आ गया, अब इंतजार नहीं होता, एक मिनट मैं खा ही लेता हूँ। बेटा ये आपने दाल मखनी में इतनी ज्यादा मिर्ची क्यों डाली हुई है? जोरदार, इसमें मिर्च कहाँ से आ गई? ओए ये कैसी दाल मखनी बनाई है, इतनी मिर्च तुम लोगों से खाना नहीं बनेगा। अब तो आप इन्हें फूड लाइसेंस नहीं दोगे ना? नहीं। अरे बेटा नहीं मतलब मैं दूंगा, वो क्या है कि मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, मुझे मिर्ची इतनी पसंद है बेटा कि मैं पानी में भी मिर्ची डाल के पीता हूँ, और तो और गाड़ियों के आगे जो नींबू मिर्ची लगी होती है ना उसमें से भी मैं मिर्च निकाल कर खा लेता हूँ। मुझे तुम्हारा ये स्पाइसी खाना बहुत पसंद आया, इसीलिए तुम्हारा लाइसेंस पक्का। ओए ये तो बहुत गलत हो गया, अगर मुझे पता होता कि इन्हें मिर्च पसंद है तो मैं ही खिला देता, तुम्हारे खाने में मिलाकर गलती कर दी। ओए क्या? कुछ नहीं। क्या बात क्या बात क्या बात, हमें फूड लाइसेंस मिल गया। दोस्तों अब तो एक सेल्फी ले लूं ना? अरे यार बिल्कुल ले।